वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ जानेंगे करंट अफेयर के बारे में कौन क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक अधिकारी, न्यायिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख, सब हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे संवैधानिक प्रमुख में तीन पद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं, जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे उपराष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है कि हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। और PM आपको सबको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनके बारे में आपको जानकारी और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इसकी वेतन भी आपको पता होना चाहिए, जो नई वेतन बढ़ गई हैं। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो श्री दीपक मिश्रा जी हैं और ये भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे महान्यायवादी, महान्यायवादी हमारे कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? KK वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सॉलिसिटर जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? एक भारत के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ये हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं रंजीत कुमार। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संसदीय प्रमुख। जैसा कि आपको पता है संसदीय प्रमुख में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सभापति राज्यसभा के कौन हैं? तो वो श्री वेंकैया नायडू जी हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उपसभापति राज्यसभा, दोस्तों ये पहले PJ कुरियन थे, ये हमारे चेंज हो गए हैं, अब वो हरी नाम के हो गए हैं। ठीक है, तो उनको याद कर लीजिए, ये अभी नहीं है। ठीक है, अभी हट गए हैं। ठीक है, कल ही परसों बने हैं वो। अध्यक्ष लोकसभा के कौन हैं? सुमित्रा महाजन जी हैं और ये इंदौर से सांसद हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा कौन है? M थंबीदुरई हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, महासचिव लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है दोस्तों? स्नेहलता लता श्रीवास्तव, ये पहली बार बनी है महिला महासचिव। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा महासचिव राज्यसभा की महासचिव कौन है? देश दीपक शर्मा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेता विपक्ष राज्यसभा के, ये कांग्रेस के नेता हैं और ये गुलाम नबी आज़ाद हैं। इन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के कौन हैं? अरुण जेटली हैं, जो भारत के कौन हैं? वित्त मंत्री थे। ठीक है, आपको पता होगा। अभी नेता सत्तापक्ष के कौन हैं? सत्तापक्ष मतलब जो सरकार है। ठीक है, वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये हमारे PM भी हैं। नेक्स्ट हम दो बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे? ओम प्रकाश रावत हैं, ये हमारी झांसी की हैं, जो झांसी की रानी हैं उसी के वहीं की हैं, उनका मूल जन्म वहीं हुआ था। ठीक है, चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? अशोक लवासा और सुनील अरोड़ा हैं, दोनों हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमारे 148 कैग होते हैं, ये हमारे कौन से हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से हैं? राजीव महर्षि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, देखो अब भारत की सेनाएं हैं थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो सभी सेनाओं के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सर्वोच्च सेनापति कौन है हमारे? जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है हमारे? एयर चीफ कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ कहते हैं, और मार्शल BS धनोआ हैं। ठीक है, ये वायुसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नौसेना अध्यक्ष हमारे एडमिरल सुनील लांबा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महासचिव सैन्य संचालन DGMO, महासचिव सैन्य संचालन DGMO के हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ये थल सेना के अध्यक्ष हैं, भारत की थल सेना, नौसेना, जल सेना तीनों सेनाएं हैं। ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। प्लीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाएं वीडियो को। कैबिनेट सचिव कौन है हमारे? प्रदीप सिंह सिन्हा हैं। ठीक है, सचिव प्रधानमंत्री के कौन है हमारे? भास्कर खुलवे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, दोस्तों प्रधान सचिव होते हैं, एक सचिव होते हैं, एक विदेश सचिव होते हैं, एक गृह सचिव होते हैं। इस सचिव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने सभी सचिवों की वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। तो हमारे प्रधान सचिव हैं हमारे नृपेंद्र मिश्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है विदेश सचिव हमारे विजय केशव गोखले जी हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव कौन है हमारे? राजीव गाबा हैं। ठीक है, वित्त सचिव, देखिए दोस्तों वित्त सचिव मतलब जो लेन देन होता है धन का, उनके सचिव कौन है? हसमुख अधिया हैं। ठीक है,
रक्षा सचिव, देखिए बहुत सचिव हैं यहाँ, पूरा सचिव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे संजय मिश्रा हैं। राज्य सचिव ये हमारे कौन है, डॉक्टर हसमुख अधिया हैं। ये हमारे वित्त सचिव होते हैं, ये हमारे राजस्व सचिव होते हैं, ठीक है, ये दोनों पद एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो हमारे जी कुछ सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, तो ये हमारे के विजय राघवन है, ये पीएम के मुख्य सलाहकार होते हैं वैज्ञानिक, तो ये के विजय राघवन है, ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक सलाहकार हमारे अरविंद सुब्रमण्यम हैं दोस्तों, ये हमारे अब रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल खत्म होने वाला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भ्रष्टाचार को देखते हैं या फिर रोकते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है एक के बी चौधरी हैं, ठीक है, आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के ये हमारे अध्यक्ष राजीव हैं, ठीक है, इनके प्रमुख। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर निदेशक, जो सीबीआई होती है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के हमारे जी केंद्रीय जांच ब्यूरो के हमारे मुख्य हेड हैं, वो हमारे आलोक वर्मा हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आर के माथुर हैं, ठीक है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो दोस्तों आईबीबी को बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हमारे राजीव जैन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे निदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये राके बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ये माने कह सकते हैं कि वे प्रमुख हैं, तो ये हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हमारे राव के प्रमुख हैं अनिल धस्माना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, हमारे एनआईए के प्रमुख हैं योगेंद्र चंद मोदी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख कौन है, योगेश चंद मोदी, इन्हें पीएम मोदी से भी आप रिलेटेड याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे कुछ अर्धसैनिक बल होते हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं अर्धसैनिक बलों के बारे में, जो एसएसबी दोस्तों हैं इसके हमारे प्रमुख हैं रजनीकांत मिश्रा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसको याद करना है। बीएसएफ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके वो जो प्रमुख हैं हमारे वो के शर्मा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के हमारे प्रमुख हैं वो राजीव राय भटनागर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, ओपी सिंह है, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में हुई, इसके प्रमुख हैं सुदीप लखटकिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विशेष सुरक्षा समूह एसपीजे, इसके प्रमुख हैं दुर्गा प्रसाद। नेक्स्ट हमारे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये भारत और तिब्बत की बॉर्डर पर लगती है ये सीमा पुलिस, तो यहाँ पर हमारे इसके प्रमुख कौन है, आर के पचनंदा, ठीक है, आईटीबीपी के प्रमुख कौन है, आर के पचनंदा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बोलते हैं इसे, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसके जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल बी एस सरावत हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल जिसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, तो इसके प्रमुख कौन है, राजेंद्र सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए, आरपीएफ का एग्जाम दोगे या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर लोको पायलट, तो आरपीएफ जिसे बोलती हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके प्रमुख हैं धर्मेंद्र कुमार, ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन बीआरओ, इस बीआरओ के प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल, दोस्तों असम राइफल के हमारे प्रमुख हैं जनरल रणबीर सिंह हैं, ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा महानिदेशक जो होमगार्ड होते हैं, इसके प्रमुख हैं आर वर्मा, इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है, ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग प्रमुख आयोग होते हैं जो हमारे, तो उन आयोगों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे प्रमुख आयोग हैं अध्यक्ष जो नीति आयोग के होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पीएम होते हैं। जैसे कि हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होती थी, ठीक है। एक आयोग ये हमारा नीति आयोग है, हमारा 1 जनवरी 2015 से बनाया था पीएम मोदी जी ने, ठीक है, इसके अध्यक्ष पीएम मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हमारे राजीव कुमार हैं। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीईओ, दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती हैं सीईओ का फुल फॉर्म, और हमारे इसके नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष हैं हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग हैं यूपीएससी जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 315 में बताया गया है, तो डेविड आर सिमलेड हैं ये अध्यक्ष इनके, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष। 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बलबीर सिंह चौहान है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ललिता कुमार मंगलम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग,
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रमुख हमारे कुशल सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा कर्मचारी चयन आयोग, जिसे बोलते हैं हम लोग SSC, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो असीम खुराना जी हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सातवां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हमारे होंगे अशोक कुमार माथुर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे 15वें वित्त आयोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इनका कार्यकाल कब तक होगा, आप कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेनगाला ईश्वरिया हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हमारे नंद कुमार साई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हमारे राम शंकर कठेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू हैं, अब शायद ये चेंज हो गए हैं, ठीक है, देख लीजिए इसको। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हमारे सैयद धयासुन हसन रिजवी हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद धयासुन हसन रिजवी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आवश्यक जानकारी यहाँ पर देता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है रेलवे एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।